विधानसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी के चलते हमीरपुर महिला कांग्रेस अध्यक्षा डॉक्टर राजतिमान ने आज से ही एकजुट होकर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर धीमान ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए भी कांग्रेस में महिला कांग्रेस अहम भूमिका निभाएगी और आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान को तेज किया जाएगा। जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस डॉक्टर राज तिमान ने कहा कि 30 सालों बाद कांग्रेस ने जिला हमीरपुर में 3 सीटों पर कब्जा करके इतिहास दोहराया है और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी महिला कांग्रेस एकजुटता से काम करके कांग्रेस को बढ़त दिलाएगी। हमीरपुर से ये लॉन्च करने जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में महिला कांग्रेस अपनी अहम भूमिका निभाएगी और हर पंचायत में जो है वो पहले भी हमने बूथ प्रभारी नियुक्त किए हैं और इमीडिएट प्रभाव से जैसे हमारी सुशीला नेगी जी बने हैं वो भी अपने तूफानी दौरे करेंगे, साथ में हमारी प्रभारी जो महिमा नेगी है ये भी हर ब्लॉक में जाके जो है वो काम करेगी। तो इसके साथ साथ ही आज मैं बधाई देना चाहती हूँ हमीरपुर के उन नेताओं को जो 3 विधायक यहाँ से जीते हैं। 1995 के बाद का वो 85 के बाद का हमने इतिहास दोहराया है। 30 सालों के बाद 33 सीटें जो है वो हमीरपुर से आई है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमीरपुर की महिला कांग्रेस ने तमाम कार्यकर्ताओं ने इतना अच्छा काम किया कि जिसकी वजह से ये जीत हमें हासिल हुई। धीमान ने पीएम मोदी पर भी सवाल करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 33% महिलाओं को कोटा देने का वायदा किया था लेकिन आज दिन तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ है और 4 साल केंद्र सरकार के बीच जाने के बाद भी मोदी इस वायदे को भुलाते जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की कथनी और करनी का पता चल रहा है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस प्रभारी महिला नेगी, महामंत्री कविता कंवर, सिटी प्रधान संगीता कटोच, सुदर्शन भारद्वाज, मीना देवी इत्यादि मौजूद रही। मोदी जी ने जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन चलाऊंगा और वो अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए चलाऊंगा और 4000 उसका जो था वो किराया भाड़ा लगेगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि अहमदाबाद से जो बाई एयर हम फ्लाइट में जाते हैं तो उसका खर्चा 3000 है और मात्र आधे घंटे में हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे, तो लोग क्यों ना उस वायर को प्रेफर करेंगे, उस बुलेट ट्रेन से तो वो काफी अच्छी है। और ऐसे ही झांसे उन्होंने दिए थे। आज मोदी जी 68 साल के हुए और वो बोलते हैं कि 70 साल पहले हमने सपना देखा था कि नर्मदा के ऊपर बांध बनाएंगे, तो हमारी समझ से परे है कि खुद मोदी जी 68 के हुए और नर्मदा बांध बनाने का सपना जो था वो उन्होंने 70 साल पहले देख लिया है। इसके साथ साथ ही मोदी जी कहते कि हमने 70 में मैंने जो थी वो एमए पास कर लिया था। अगर उन्होंने 70 में एमए पास किया था तो उन्हें चाय बेचने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी, और भी तो जॉब बड़ी भारी थी। आज मैं फख्र के साथ कहूंगी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी रहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे और लाल बहादुर शास्त्री जो थे अत्यंत गरीब परिवार से थे, वो नहरों को पार करके जो थे वो स्कूल की पढ़ाई करने जाते थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं गरीबी का ढिंढोरा पीटा कि मैं गरीब हूँ। उन्होंने काम करके दिखाया, उनके काम में ताकत थी। आज जो मनमोहन सरकार ने फैसले लिए थे, चाहे वो मनरेगा का था, चाहे वो टीआई का था, जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग होते थे, हमारी सेंटर में सरकार थी, उस समय ये लोग बोलते थे कि भाई जीएसटी का डट के विरोध करो, एफडीआई का विरोध करो। आज उन्हीं के असूलों को जो उन्होंने कानून बनाए थे, जो उन्होंने योजनाएं भारतवर्ष के लिए चलाई थी, आज उन्हीं योजनाओं को मोदी जी ने अपना अमलीजामा पहनाया है। अपने आप उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सत्ता में आए थे युवाओं से उन्होंने वादा किया था कि मोदी जी ने शायद हजारों या लाखों में भी किसी को रोजगार दिया होगा, तो तमाम युवा जो हैं वो आज दुखी हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं और